हेलो फ्रेंड्स, काइन मास्टर ने बर्थडे वाला वीडियो कैसे बनाया तो बिना स्किप किए मेरे वीडियो को पूरा देखे हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले आपको काइन मास्टर में जाना है। काइन मास्टर में जाने के बाद आपको प्लस वाला आइकॉन ऊपर क्लिक करना है और 16:9 ऊपर क्लिक करना है और बैकग्राउंड ऊपर क्लिक करना है। आपको जो पसंद आए बैकग्राउंड ले लेना। वहाँ पर मैं ब्लैक बैकग्राउंड लेता हूँ और 30 सेकंड तक उसको बढ़ा देता हूँ। वापस लेयर में जाना है, उसमें मीडिया पर क्लिक करना है और फोटो को सिलेक्ट करना जो आपको रखना है। वो यहाँ पर मैं 3 फोटो को सिलेक्ट करूँगा। इसको आप 30 सेकंड तक बढ़ा देना है। वापस लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और अपने फोटो जा रखे उस पर जाना और उसे सिलेक्ट करना है। देखो ये मेरी दूसरी फ़ोटो है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ। उसको भी 30 सेकंड तक बैठा देता हूँ। वापस लेयर में जाना है, मीडिया पर क्लिक करना है और अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। जूम कर ले तो इसको भी 30 सेकंड तक मैं बढ़ा देता हूँ। देखो यहाँ पर मेरी 3 फ़ोटो आ चुकी है। आपको जितनी फ़ोटो चाहिए वो ले सकते हो। फिर वापस से आप लेयर वापस आपको लेयर में जाना है, टेम्पलेट पर क्लिक करना जो मैंने डाउनलोड किया है। वो तो मेरा टेम्पलेट डाउनलोड में पड़ा है तो वहाँ पर मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको राइट साइड में स्प्लिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है, उसे फुल साइज कर देना है। यहाँ पर मैंने फुल साइज कर दिया और नीचे आएंगे उसमें ब्लेंडिंग लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। स्क्रीन पर क्लिक करना है। वापस क्रोम की लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है, जो ऑफ है उसे ऑन कर देना है। देखो यहाँ पर वीडियो चालू हो चुका है। उसके बाद राइट साइड में एक एरो वाला ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है और नीचे एक्सपोर्ट लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो डाउनलोड होने लगेगा।